मुंगेर के जमालपुर के नए दूसरे रेल सुरंग से 115 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरी ट्रायल ट्रेन 11 सेकंड लगा रेल सुरंग गुजरने में। जनवरी के पहले सप्ताह में मुख्य संरक्षा आयुक्त ट्रेन चलाकर करेंगे जांच। राज्य की दूसरी नई रेल सुरंग से ट्रेन परिचालन खरमास बाद शुरू होने की उम्मीद। बता दें कि जमालपुर रतनपुर स्टेशन के बीच बनी राज्य की दूसरी रेल सुरंग में ट्रेन का ट्रायल किया गया। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। डीजल इंजन और एक एसी कोच लगी विशेष ट्रायल ट्रेन लगभग 115 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन से गुजरी। 310 मीटर लंबी रेल सुरंग को ट्रायल ट्रेन को पार करने में महज 11 सेकंड का समय लगा। ट्रायल पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद अब जनवरी के पहले सप्ताह में मुख्य संरक्षा आयुक्त ट्रेन दौड़ाकर जांच करेंगे। मुख्य संरक्षा आयुक्त के जांच के एक सप्ताह बाद नई रेल सुरंग से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। नई रेल सुरंग से ट्रेनें चलने लगेंगी। नव वर्ष पर यह जिले वासियों को एक सौगात मिलेगी। 45 करोड़ हुए नई सुरंग के निर्माण पर खर्च। 65 करोड़ डबल लाइन पर बिछाने पर खर्च। 341 मीटर लंबी है। सूबे की दूसरी नई रेल सुरंग 2 से 2.5 सप्ताह में नए सुरंग से गुजरेंगी ट्रेनें। मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल का बड़ा सपना साकार हो गया। DRM ने बताया कि नई रेल सुरंग चालू होने से रेल विकास को नया पंख लगेगा। ट्रायन ट्रेन के इंजन में उप मुख्य अभियंता रंजीत कुमार, जिला अभियंता हेमंत कुमार, वरीय अनुभाग अभियंता निरंजन कुमार थे। लोको पायलट ने चालक रतनपुर से जमालपुर तक नई रेल सुरंग में ट्रेन लेकर सफलतापूर्वक निकले। बताते चले कि मालदा से कियूल के बीच 276 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पूरी तरह दोहरीकरण हो गया है। अभी जमालपुर से रतनपुर तक सिग्नल लाइन पर ही दोनों दिशाओं में एक ही लाइन से दोनों दिशाओं की ट्रेनें चल रही है। एक सुरंग होने के कारण इतनी दूरी का डबल लाइन का काम रुका था। नई सुरंग बनने के बाद यह बाधाएं दूर हो गई। अब मालदा कियूल रेलखंड पूरी तरह दोहरीकरण हो गया है। दोनों दिशाओं की ट्रेनें अलग अलग ट्रैक से चलेंगी। दरअसल भागलपुर जमालपुर कियूल रूट से राजधानी एक्सप्रेस चलाने की मांग कई वर्षों से चल रही थी। सिग्नल लाइन और सुरंग की पेच से राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन शुरू नहीं हो रहा था। अब सभी बाधाएं दूर होने के बाद अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस को चलाने की सहमति मिली है।